नमस्ते मैम। हे गाइस वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले देखिए हमारी बिटिया रानी को मस्त हो रही है तैयार, क्योंकि आज जा रहे हैं हम लोग फाइनली मेला, है ना जी? ये भाई भी है मेरा और बहुत कोई है साथ में, आपको आगे चल के पता चलेगा, मतलब माँ भी है, पापा भी है और भाई लोग भी है। तो आज क्या है ना गाइस, की आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे गाँव का जो परंपरा है वो ये है कि दसवीं के बाद तीन चार दिन का बहुत बड़ा मेला लगता है, एकदम डिज्नीलैंड में बहुत कुछ रहता है उसमें। तो अभी तो हम लोग चलेंगे मेला, और इधर देखिए तितली का चल रहा है कार्टून पीछे। तितली चलेंगे ना मेला? मेला चलेगी? ये डेली मेरे साथ मेला जाती है, मैं अकेले इसको डेली लेके जाता हूँ, दो तीन टाइम तो लेके जाता हूँ, आज ही बस एक टाइम, आज एक ही टाइम गई है ना। मेला तो जितने मतलब मंदिर में, अरे भाई मेला ही समझ लो यार, मेला दिलों का आता है एक बार। और जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था उस पर इतने सारे कमेंट्स थे, तो मुझे लग रहा है कि उसका भी जवाब देना ज़रूरी है। बट अभी तो शाम हुआ, सो के उठा मैं, और फिर हम लोग जा रहे हैं अभी मेला घूमने के लिए। मेला क्या, वहाँ पर ना जो हमारे जो घर के पास जो मंदिर है वो है छोटी वाली मैया और वो है बड़ी वाली मैया, और दोनों का विसर्जन होता है पूर्णिमा का दिन, तो खोइच भी भरा रहता है, बहुत खूबसूरत है वो, आके मैं आपको बताऊंगा। बट अभी सबसे पहले चलते हैं, क्या तुम कभी देखे कि नहीं खोइच भरने वाला यहाँ का? चलो मैं तुमको भी दिखाऊंगा। नहीं यहाँ तो बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। बाकी आज मैंने थोड़ा सा बहुत सालों बाद अपने बाल में जेल लगाया हूँ, जेल। कैसा लग रहा है मेरा हेयर बताइएगा जरूर कमेंट करके, कैसा लग रहा है? आज मैंने जेल लगाया है बाल में, क्योंकि मेरे बाल थोड़े छोटे छोटे थे, बहुत ज़्यादा थोड़े बड़े हैं, तो अभी ऐसे इतना बड़े हैं कि इधर उधर निकल जा रहे हैं, इसीलिए मैंने मेरे को जेल लगाना पड़ा। चले बेटा चले, कितना पाउडर लगा दी तितली को, बराबर कर रहा है, इधर उधर करती रहती है तो क्या कर रहा है। बेटा बेटा मेला चलेगी? मेला हमको पाउडर नहीं लगा, हमको पाउडर खाली पाउडर, आज एक डिब्बा पाउडर तो जियान कर दिया है। पापा से वो देखे, मैंने ब्लॉग में डाला था और शॉर्ट में भी डाला था इसका। देखिए 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 क्या क्या की थी, पूरा पाउडर मेरा ब्लैक टी शर्ट में पोछ रही तुम, पाउडर व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। चलो चलिए चलते हैं मेला, बहुत मजा आएगा, आप लोग बने रहिए, बहुत सारी चीजें दिखाएंगे आपको। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मेले में, ये देखिए निशा तिथि कंकंस है कार्तिक, ये तो घर पे ही हमारा टीम था। इधर देखिए मम्मी पापा भैया, और इधर हमारे भाई साहब, ये तो हम लोग सबको निकल चुके हैं मेले में। तो इस मेले में इतनी खतरनाक भीड़ है कि समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं किधर और जाएं किधर नहीं, खचाखच भरा पड़ा है। ये देखिए ये है गांव की मेला, गांव के मेले की खूबसूरती की बात ये लग रहती है। हाँ चलेंगे, इसके बाद झूला दिखना है, झूला जाएगा ये, अभी चलते हैं हम लोग सबसे पहले आगे और देखते क्या लेना है। मेरे गोदी में तो गाइस मेले की एक अनोखी खूबसूरती आपको दिखा रहा हूँ, ये सब कैलेंडर पोस्टर जो एक टाइम पे मैं रोता था और कलेक्शन हुआ करता था मेरे पास, अमूमन पहले लोग यही सब मेले में आके खरीदते थे। और ये बच्चों का खिलौना भाई क्या ही बताऊँ, कितने लोगों को अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं गाइस। तो गाइस बहुत ज्यादा भीड़ है और सिर्फ यही सुनाई दे रहा है, ₹10 ₹10 ₹10, इससे ज्यादा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो गाइस जब भी निशा और माँ मेले में आते हैं ना तो चूड़ियाँ जरूर लेते हैं, और अभी बहुत लंबा ये दुकान है चूड़ी का, देख सकते हैं आप, चूड़ी पता नहीं क्या क्या होता है और बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे, बच्चों को भी मिलते, तो यही देख रहे हैं ये लोग अभी। तो गाइस अभी चूड़ी लेने के बाद, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे जो हमारी बड़ी माता जी हैं वो छोटा, जो हमारे घर के पास जो मंदिर है उसको छोटी मैया बोलती है, बड़ी मैया है, तो यहाँ पे मंदिर भी है। तो अभी सबसे पहले चलेंगे माता रानी का करेंगे दर्शन, और उसके बाद आपको मेले में घूमेंगे और फिर करेंगे एंजॉय। अभी सभी लोग जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करिए, बड़ी वाली मैया है हमारी, तो जिसको बड़ा मेला के नाम से भी फेमस है, तो ये माता रानी का आप देख सकते हैं। आप लोग भी जय माता दी कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा, पहले से और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर इस मंदिर में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग बने रहिए, ये देखिए तितली हमारी घंटी बजा रही है यहाँ पर,
और इतना ज्यादा यहाँ पे क्राउड होता है ना। तो गाइस अभी दर्शन तो कर लिए हम लोग, और दर्शन करने के बाद फिर से एक बार मेले में घुस चुके हैं, और अभी जो है ना बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा एक्सेस क्राउड है, बट कहीं कहीं हर जगह गोलगप्पा का जरूर ठेला दिख जा रहा है भाई साहब। पैसा दीजिए। 100 रुपया? 10 रुपया। भाई ये पता नहीं क्या क्या कर रही है, मेरे से बोल के पैसा दीजिए, यही करेंगी, खरीदेंगी ये कुछ ना कुछ और मेरे से कहेंगे पैसा दीजिए। गाइस देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग मिल गए, थैंक यू सो मच। नहीं तुम एक बार मिली थी ना भैया के दुकान पे, जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है ये मैं मम्मी देखती हूं। नमस्ते मैम। चलिए हम नौर में ही, मेरा घर है, कभी आइए आप लोग घर की तरफ तो आइएगा। आपका गोल्ड का शॉप है ना? हाँ हाँ, कनक मंदिर जो है ना वही है। तो सब कह रहे हैं सबसे अच्छा माँ का आइसक्रीम। ठीक है बाबू, एंजॉय करो। तो गाइस इतनी भीड़ में भी लोग पहचान लेते हैं, ये खास है, बहुत ज्यादा क्राउड है, बता नहीं सकता आपको। ये गाइस तो फाइनली भी पहुंच चुके हैं, जो झूले का सेक्शन है देख सकते हैं, मेरे चारों तरफ पीछे मस्त झूला है और जबरदस्त वाला। तो गाइस यहाँ पे अब आ चुके हम लोग झूले की तरफ, और निशा, कार्तिक, माँ, मेरा भाई, ये लोग बैठ चुके हैं नाव वाला झूला, और ये बहुत बड़ा नाव है। निशा को डर भी लगता है, जितना एक्साइटेड रहती है झूला पर जाने के लिए, पता नहीं आगे क्या होगा। बट अभी मेरी हालत ख़राब है क्योंकि मेरे गोद में जीती और माँ को देख के बहुत ज़्यादा रो रही है, इतना ज़्यादा रो रही है मैं आपको बता नहीं सकता, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये लोग इधर इन्जॉय कर रहे हैं और मैं इधर अपनी बेटी को लेकर भाई फंसा हुआ हूँ, ये बस कह रही कि मुझे मम्मी के पास जाने, इसको लग रहा है कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई। और अभी झूला स्टार्ट हो गया है तो अभी आएगा बहुत मज़ा, और मैंने तितली को दे दिया है पापा को, इधर पापा भी मेरे साथ थे, तो झूला तो स्टार्ट हो गया। भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है झूले वगैरह से, एक बार मैं मेले में गया था तो मेरे साथ मनीषा थी, सचिन भाई थे, तो झूले पे मैंने मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और झूले वाले से पता है क्या, पहले वो धीरे धीरे झूला रहा था, मैंने बोल दिया क्या भैया यार इतना आसान झूला है, तो धीरे धीरे उसके बाद जो उसने झूलाया ना तो मेरी सांसें अटक गई थी, तो मुझे वो दिन याद आ जाता है झूला देख के, नाव टाइप का ही था वो झूला। और यहाँ पे देखिए इतना मज़े कर रहे हैं ये लोग, पूरा इन्जॉय कर रहे हैं ओ भाई। और अब ये ऊपर जाने वाला है, और अब मुझे लग रहा है कि अब हालत सबकी ख़राब होगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए, बाकी गाइस मेले की खूबसूरती की बात ही अलग होती है, कितने लोग अपने गांव को मेले को मिस करते हैं, और जो लोग अमनौर के आसपास के होंगे तो वो समझ सकते हैं कि ये हमारा जो मेला है ना, आपको बता दूं कि पूरे जो हमारा छपरा ज़िला है ना उसमें सबसे बड़ा एशिया का बड़ा मेला लगता है सोनपुर मेला, और 2 नंबर पर ये मेला आता है जब ये नवरात्र में लगता है, 8-10 दिन के लिए जो मेला लगता है, ये बहुत बड़ा मेला लगता है, और मुझे लगता है कि 30 किलोमीटर में इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता। क्या हुआ, क्या हाल, डर लग रहा था, एकदम स्टाइल मार के पीछे बैठ गए, मिलो ना बाबा, कहते कि बाबा की बीवी है ये, बाप रे, आ सकती बन तो धैर्य ना ना फिर दोबारा ना कहीं लोग औरत क्या कर। तो गाइस अब चले गए हैं दूसरे झूले पे, और ये पता नहीं कौन सा झूला, मुझे खुद नहीं पता, बट निशा ब्लॉग शूट करती, क्या ही शूट करती, क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड मतलब पीछे से आ रहा था कि मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, बस ये शूट की थी ऐसी निशा। तो अभी ये पता नहीं कौन सा राइड है, और ये बड़ा बड़ा झूला दिखा रही है, शायद इसको भी जाएगी बता दिए, मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके का है। और मैं इधर बातें करते कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जा रहे थे यहाँ पे मेले में, तो सभी कहीं ना कहीं पहचानते हैं, और मेरा होम टाउन है तो आप समझ सकते हैं, एक अलग ही मतलब स्वैग भी है अपना, तो बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं मुझे यहाँ पे, तो यहाँ देख रहा था। और फाइनली एक राइड शुरू हो चुका है, और ये जो राइड है इसको ड्रैगन राइड बोलते हैं, मुझे अभी पता चला। और ये देखिए तितली बहुत इंजॉय कर रही है, और तितली मतलब पहली बार मुझे लग रहा है ये सब झूला पे बैठ रही है, फर्स्ट टाइम था तो ये भी एक यादगार पल था कि हमारी बिटिया रानी पहली बार झूला पे बैठी थी और बहुत इंजॉय कर रही थी, और ये बच्चों वाला ही राइड था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि और सभी राइड पर तो काफ़ी टफ था, इसलिए मैंने झूला वाला मतलब नाव जो था झूला
उस पर नहीं भेजा था। और ये देखे खूब इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए ऊपर आ गया था कि चलो कम से कम तितली के लिए मेमोरी कलेक्ट कर लो। तो गाइज अब ड्रैगन राइड के बाद ये पहुँच चुके हैं ब्रेक डांस पर। मुझे लग रहा है कि आज कोई झूला नहीं झूलने वाले हैं ये लोग। देवर मतलब भाभी यानी कार्तिक और तो पूरा मतलब इंजॉय करता झूला पे। उधर माँ भी मेरी कम नहीं है और ये इधर लाइन में लग चुके हैं ये लोग। तो गाइज इसी के साथ सास बहू का ये मतलब ज़बरदस्त वाला राइड शुरू हो चुका है। मुझे लग रहा है कि पहली बार दोनों एक साथ बैठे हुए हैं झूले पे। नहीं शायद सोनपुर में बैठे थे तो अभी मतलब एक साथ बैठे हुए हैं। और मतलब अब बहुत मज़ा आएगा देखिएगा, क्योंकि जो झटका मारता है ना बहुत तेज। आपको पता है गाइज मेरे गर्दन में थोड़ी मोच है इसीलिए मैं तो बिल्कुल भी ऐसे भी मैं झूले पे नहीं बैठता। ये देख लीजिए दोनों सास बहू एकदम हाथ हिला हिला के टाटा कर रही है यहाँ पर। खूब एकदम बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये लोग मेला में इसीलिए आते हैं। मेला में खरीदते तो कुछ नहीं है लेकिन हाँ झूला वगैरह खूब झूलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो माँ और निशा दोनों इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और हम लोग फिर से वही तितली को पकड़े हुए थे। कार्तिक पहले ही झूल के उतर चुका था इसलिए कार्तिक अभी इन लोग के साथ नहीं बैठा, क्योंकि तीन लोग को एक साथ नहीं बैठते थे। और ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों जन यहाँ पे। तो गाइस क्या ही बताऊँ, मेले में भाई इतनी भीड़ में भी लोग पहचान गए, ये हम शॉक्ड है बहुत ज़्यादा। और हम लोग बैठे ही हुए थे मतलब कुछ खा रहे थे तब तक बहुत सारे सब्सक्राइबर आ गए। फिर निशा के साथ मिले, सभी फ़ोटो खींच रहे, बहुत अच्छे थे। और अच्छा लगता है गाइस सच बताऊँ तो कोई इतना हमें प्यार करता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, स्पीचलेस है। बट थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार देते इसलिए।